हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ लेकर आई एक बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जो बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। आप इसे 10 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हैं। जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगी हो तो आप इसको बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसको इंजॉय कर सकते हैं, इस ब्रेकफास्ट को। तो चलिए हम अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में आधा कप बेसन लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच नमक। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। और अब हम इसको एक फोक की हेल्प से मिक्स कर लेंगे, सारे जो हमने मसाले ऐड किए हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप पानी और फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ सारा पानी ऐड नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। और हमें इसका एक बैटर तैयार करना है, हम इसका एक थिक बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरा पानी जो है वो यूज़ कर लिया है, 1/2 कप पानी। हमारा बैटर रेडी है। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 ब्रेड के स्लाइस। अब इसको कट करेंगे राउंड शेप में। आप किसी भी कुकिंग कटर से भी कट कर सकते हैं या फिर जो कोई भी ढक्कन हो आपके पास राउंड शेप का, उससे भी आप कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे सारे स्लाइसेस को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे स्लाइसेस को कट कर लिया है राउंड शेप में। अब अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने बैटर तैयार किया था उसमें ये हम अपने ब्रेड की जो टिक्की है उसको डिप करेंगे। उसके बाद हम इसमें इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले ही ऑयल गर्म करने रख दिया था। अब इसमें एक एक करके सारी टिक्की को ऐड करते जाएंगे और गैस का फ्लेम जो है वो हम हाई रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 टिक्की जो है वो कढ़ाई में डाल दी है। इनको हम 2 मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। हम टर्न कर लेंगे इसको और दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम टर्न करते हुए अपनी जो सारी टिक्कियाँ उनको फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो फ्राई हो गई हैं। हम इनको निकाल लेते हैं। जो बाकी की टिक्कियाँ जो बची हुई हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे सेम प्रोसीजर से। अपनी टिक्कियों को टर्न कर लेते हैं, दूसरी साइड से भी हम इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही इजी ब्रेकफास्ट है ये, बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है। अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच ग्रेटेड जिंजर। इसको हम 10 से 15 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। हो गए। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 ग्रीन चिली बारीक कटी हुई। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ और इसको हम 5 से 6 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, हमारी जो प्याज है वो अच्छे से फ्राई भी हो गई है। इसमें अब हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच टोमेटो केचप। इसके बाद 1/2 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब जो हमने टिक्कियाँ फ्राई की थी उसको इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है हमारी जो टिक्की है। और अब हम इनको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे मसाले में।
तो एक मिनट हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे हरे धनिया की पत्ती और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए हमारे जो ब्रेकफास्ट है वो बनके रेडी है। कितनी जल्दी ये बनके रेडी हो गया है, बहुत ही कम समय लगता है इसको बनाने में और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। एकदम यूनिक ब्रेकफास्ट है ये। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।